ये भाभी मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ, कितनी अच्छी नंद है मेरी यार। और ये मिलेगा ना चलाने। Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुश होंगे अपने घर में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे पीछे जो आवाज आ रही है वो, यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो टैब में पोएम देख रही है, पोएम नहीं देख रही है बल्कि गेम खेल रही है। तो ये टैब में गेम खेल रही है, बता भी नहीं कि मैं गेम खेल रही हूँ। और मेरे रूम का ये हाल हो रहा है, कहाँ गया कहाँ गया। तो ये हाल हो रहा है, कुछ ज्यादा बुरा हाल नहीं हो रहा है क्योंकि मैं और फातिमा सिर्फ रहते हैं। तो फातिमा के बाबा होते हैं घर पे तो वो ज्यादा रूम फैलाते हैं, मैं और फातिमा तो बहुत ही कम रूम फैलाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी अब रूम समेटते हैं। और यहाँ पे फातिमा के ड्रेसेस हैं जो कल मैं इससे चेंज किए, तो अभी इनको जाके धोने वाले में डाल देती हूँ ताकि इधर उधर गिरे नहीं रहे, जब धोना वो इजीली मिल जाए। तो जी ये डाल दिया मैंने इधर, अब जा रही हूँ बाहर। ये हम लोग का स्टोर है, यहाँ पे सब एक्स्ट्रा सामान जो है वो यहीं पे रखा रहता है। और आज मैंने सोचा कि आज मुझे डिवाइडर जो है वो जरूर साफ करना है, जरूर जरूर किसी भी सूरत में। तो अभी टाइम हो रहा है, आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ मैं। टाइम हो रहा है 12:00, वाह नजर आ गया टाइम, ये तो गनीमत हो गई। मतलब 12:30 का टाइम हो रहा है और हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, फातिमा फ्रेश हो गई, मैं भी फ्रेश हो गई। बस अब जो है वो मुझे अपना रूम क्लीन करना है। उजैया के आने से पहले रूम, किचन, ये वाला रूम, स्टोर, फ्रिज और वॉशरूम और ये जो मशीन रखी हुई है इसके अंदर जो कपड़े हैं वो भी वॉश करने हैं। सब काम मुझे जो उनके आने से पहले डन करने हैं। और आज उन्हें गए हुए 4 दिन जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं, तो बाकी बच्चे 6 या 7 दिन, तो उन दिनों में मुझे सब काम जो है वो डन करने हैं। और खाना भी देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, वो तो आप लोग को आगे पता चल ही जाएगा। यहाँ पे इसकी गेम बंद होगी तो मुझे खींच के लेकर आइए कि मामा मुझे गेम लगा दीजिए। लो लग गई। ऐसे बच्चों की गेम्स भी कितने मजे मजे की होती हैं। तो इसका तो चलता रहेगा और मैंने इतना लंबा इंट्रो शूट कर लिया तो चल गए। बस जल्दी जल्दी जो है वो सफाई करती हूँ पहले रूम और उसके बाद ये डिवाइडर। यहाँ पे मैंने सारे डिवाइडर का सामान निकाल लिया और ये टॉवल जो मैंने मंगवाए थे लेकर आई हूँ एक, जिससे अब ये सब साफ करती जाऊंगी। और यहाँ पर इस डिवाइडर में जो वो मैं वापस रखती जाऊंगी। और अभी ये देखिए ये भी पूरा जो है वो गंदा हो रहा है, ये जहाँ पे गिलास रखे थे वो साफ है और बाकी सब जो है वो गंदा हो रहा है। तो जल्दी जल्दी इसको भी पूरा साफ करूंगी और फिर ये एक एक करके सारा सामान रखूंगी। यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो अपनी कारस्तानी कर रही है, ये उसका ट्रे है तो अपने ट्रे में वो स्पून रख रही है, बोल रही है ये बेबी प्लेट है। तो चले जल्दी जल्दी इसको साफ करती हूँ और वापस रखती हूँ। तो ये ऊपर वाला स्टेप मैंने अच्छे से साफ करके सब कुछ वापस रख दिया। और ये वाला जो जग रखा हुआ है, इस जग के मेरे पास पूरा वाटर सेट था जिसमें सारे गिलास जो है टूट गए, सिर्फ जग बच गया। तो इस स्टेप में सिर्फ मैंने शीशे की चीज रखी, शीशे की चीजें मैं इसीलिए रखती हूँ अपनी तकनीक की वजह से, वरना ये सारी चीजें यहाँ से गिरा के तोड़ देगी, यहाँ तक इसका हाथ नहीं पहुंचते, इसलिए यहाँ पे सेव है। अब नेक्स्ट अब आपको एक साथ ही सब कुछ सेट करके फिर लास्ट में डिवाइडर का लुक दिखाऊंगी, और ना एक एक करके दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है मेरा ये वाला डिवाइडर जो है पूरा सेट हो गया। कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब जब आपका सेट हो जाता है ना कुछ भी है, कुछ भी साफ हो जाता है, कितनी खूबसूरती आ जाती है उसमें, पूरे में इतनी खूबसूरती आ गई है। और यहाँ पर आ गई है अलिशबा, ये बोली भाभी मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ, कितनी अच्छी नंद है मेरी यार। और ये मिलेगा ना चलाने, देख रहे हैं कोई तो बिना मतलब के तो होता ही नहीं है ना। इस अपना नियो हेयर कट करवाया, हेयर कट तो दिखाओ। हाँ हेयर कट देख लो, पॉलर गई, पॉलर वाली मतलब इतना अच्छा मैं हेयर कट करूंगी, आप पे इतना सूट करेगा और पूरे बाल ही में दौड़ा दी, ये बाल बचे हैं मेरे, आप देख सकते हैं। यही करती है पॉलर वाली, मतलब बोलती है इतना अच्छा करेंगे और लूट लेती है। इसको मैंने मना भी किया था, इससे मुझे बात नहीं सुनी और ये वाला हेयर कट इससे करवाते हैं। कोई नहीं, मेरे बाल तेजी में बढ़ जाते हैं। और अभी मैं इसको बोल रही हूँ कटे वालों वाली कबूतरी, सही नाम रखा है ना मैंने इसका, आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अच्छा चलो काम करवाओ। तो ये वाला डिवाइडर हो गया है, अब मैं करूंगी ये वाला डिवाइडर साफ। मैं एक एक करके डिवाइडर साफ कर रही हूँ ताकि अगर मेरा दिल नहीं करे करने को, मैं थक जाऊँ तो कम से कम सब कुछ फैला हुआ ना हो, एक एक करके हो रहा हूँ। तो चलिए लगाती हूँ अलिशबा को अपने साथ काम पे और जल्दी जल्दी साफ करती हूँ। अभी मैंने अलिशबा को यहाँ पे बिठाया ताकि सारे जो मेरी फेशियल किट का सामान है साफ कर करके उसमें रखती जाए, और मैं तब तक अपना ये वाला हिस्सा जो है वो डिवाइडर का साफ कर लेती हूँ। कुछ ये हाल हो रहा है, ये साफ कर लेती हूँ, जैसे ये सब साफ करेगी फिर वापस रख दूंगी। और यहाँ पे ये साफ नहीं कर रही है, पड़ रही है कौन सी चीज मेरे काम की है और कौन सी नहीं है। सैनिटाइजर है ये,
यहाँ पे मेरी बेटी डॉल को झूला झुला रही है। चलो करो चलो, अब मैं भी जल्दी जल्दी जो ये वाला साफ कर लेती हूँ। एक घंटे की मेहनत के बाद फाइनली मेरे ये वाला, वो वाला और ये वाला तीनों डिवाइडर्स जो हैं वो साफ हो गए हैं। ये वाला भी पूरा साफ हो गया अच्छे तरीके से, और ये वाला पूरा डिवाइडर भी जो है वो अच्छे तरीके से साफ हो गया। पूरा सामान मैंने सही से सेट करके रख दिया। तो भाई ये काम तो हो गया मेरा डन, और अब मुझे लग रही है भूख, तो मैं सोच रही हूँ कुछ अपने लिए पका लूँ पहले, फिर जो है बाकी का काम डन करूंगी। क्योंकि मेरा हो गया ये हाल, ये तीनों डिवाइडर साफ करने का, मतलब इन तीनों डिवाइडर्स में से इतना ज्यादा कचरा निकला। तो बस अब ये सब जो है वो खाना बनाने के बाद से बैठती हूँ, फिर चलती हूँ किचन में, इससे पहले कि भूख से मेरा और बुरा हाल हो जाए। मैंने जो है वो खाना बना लिया, और आज मैंने खाने में क्या बनाया ये आप लोग को मैं दिखाती हूँ। तो जी मैंने खाने में बनाया है ये, पहचाना क्या है? नहीं पहचाना, चलिए मैं ही आप लोग को बताती हूँ। एक मिनट में पहले राइस चेक कर लो, ये ना हो कि पक पक के ही पक जाए और मैं जो है वो वीडियो ही बनाती रह जाऊँ। गर्म है, गर्म है, गर्म है, अभी कच्चा है। तो जी मैंने आज इसीलिए ये वाला सालन बनाया है क्योंकि मुझे और मेरे दोनों भाइयों को, हम तीनों बहन भाइयों को ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। था भी नहीं बल्कि है, अभी भी पसंद है। जब भी मामा हम लोगों से पूछते थे कि बेटा आज खाने में क्या बनाऊं, तो मैं हमेशा, हम तीनों बोलते थे मामा आलू अंडे का सालन बनाइए। और सिर्फ ये नहीं बोलते थे हम लोग, ये भी बोलते थे कि मामा ज़्यादा बनाइएगा ताकि हम लोग अगले दिन नाश्ते में रोटी और चाय के साथ जो है वो खा सके। तो मामा हमेशा जब भी बेचारी बनाती थी, इतना आलू उन्हें कट करना पड़ता था इसकी वजह से। एक हम लोग इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते थे, और दूसरा हम लोग रिक्वेस्ट करते थे आलू वाले पुलाव की, मतलब सिंपल आलू वाले चावल की। तो हम लोगों को ये दो चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो आज इसीलिए फिर मैंने बनाया। मेरा दिल कर रहा था, और जैन ये भी नहीं खाते तो इसी वजह से मैं नहीं बनाती थी, तो आज मैंने ये बनाया। अब पता नहीं मामा जैसा बना या नहीं बना, अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया। अब खाऊंगी तो पता चलेगा कि मामा की रेसिपी जैसा बना है या फिर नहीं बना। तो यहाँ से आप लोग सही से देख लीजिए, पतीली को प्लीज इग्नोर कीजिए, उससे हल्का हल्का ना जल गया था वो, मैं छोड़ के जरा हाथों को देखने चली गई तो हल्का हल्का जल गया, लेकिन पता नहीं कैसा बने, आई डोंट नो। यहाँ पे मैंने अभी खाना निकाल लिया, साथ मुझे कंपनी देने के लिए अलिशबा भी मौजूद है, फातिमा का भी निकला है, लेकिन उसको सालन डाल के नहीं दिया, अभी डाल के दे रही हूँ। और साथ ही हम लोग देख रहे हैं मूवी ताकि थोड़ा सा दिल लग जाए, और अभी खाना खा लूँ, उसके बाद फिर घर का काम जो है वो बाकी का कम्प्लीट करूंगी। ये लो इसका बिल्कुल थोड़ा सा बहुत ज्यादा है ये, बस बस बस, अबे यार चलो छोड़ भाभी। और अब बारी है मेरा चूड़ियों वाला ड्रॉर साफ करने की, जिसको साफ करने में बहुत मेहनत लगने वाली है क्योंकि मेरी चूड़ियों का कुछ ये हाल हो रहा है। इनको समेटना, अलग अलग कलर्स की अलग अलग रखना बहुत ही टफ होने वाला है। तो चलो इन सबको निकालती हूँ जल्दी जल्दी, और अलग अलग बॉक्सेज में जो है वो साफ करके रखती हूँ। ये रही मेरी सारी चूड़ियाँ, मैं सोच रही हूँ अब एक दुकान लगा ही लेती हूँ इन चूड़ियों की, अच्छा खासा पैसा तो मिल ही जाएगा यार। चूड़ियाँ हैं अब ये सब मुझे जल्दी जल्दी समेटनी है, बरहल ये जल्दी तो नहीं समेटी जाएंगी। सबसे पहले इसमें से अलग अलग कलर्स की ऐसे सिलेक्ट करके अलग अलग करनी है, फिर देखती हूँ कैसे समेटती हूँ यार। One hour later. तो फाइनली मैंने सब चूड़ियाँ जो है वो अलग अलग करके रख ली है कलरफुल इन तीन बॉक्सेज में, इसमें सारी गोल्डन, उसके गोल्डन कड़े जो भी है, इसमें सब वाइट वाइट सारे कड़े। तो ये सब चूड़ियाँ अल्लाह का शुक्र है सेट हो गई, और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि इनको सेट करने में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगे, इनको सेट करने में मुझे पूरे 2.5 घंटे लगे हैं, तो जाके ये सेट हुई है। सब कलर को अलग अलग सुनना बहुत मुश्किल था। फॉर एंड आफ्टर लुक, पहले ये कैसा था और अभी ये सेट होने के बाद कैसा हो गया। तो भाई मेरी मेहनत रंग लाई, अब आराम से इसमें जो भी कलर की चाहिए होगी सिलेक्ट करके पहन सकते हो। यहाँ पे मेरी बेटी क्या कर रही है। तो बस मैंने अपना पूरा रूम क्लियर कर लिया, बाकी का इंशाल्लाह जो रह गया वो कल करूंगी। आज तो मैंने माशाल्लाह से डिवाइडर भी कर लिया, ये तीनों ड्रेसिंग्स के ड्रॉर्स भी कर लिए, वो दोनों ड्रॉर्स भी कर लिए। अब बस कल यहाँ से लेकर वहां तक का हिस्सा जो है वो कर लूंगी क्लीन। और यहाँ पे मेरी बेटी अभी जो है वो स्पीकर में कारिस्तानी कर रही है, इसको खराब करने की कोशिश छोड़ दिए बेटा। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगी कल एक और व्लॉग के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।